गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द लेसन प्लानिंग ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में, क्या स्टेप रहेंगे। और पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पाठ्य योजना या लेसन प्लान के क्या स्टेप हैं। तो प्रत्येक विषय में आपके जो लेसन प्लानिंग के स्टेप हैं सेम रहेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको भूगोल विषय के जनरल ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो हेडिंग रहेंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में। अब हम यहाँ पर भूगोल विषय की पाठ्य योजना के विषय में बात करते हैं। स्टेप आपके सेम रहेंगे जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताए गए थे। पहले हम लोग बेसिक इंट्रेस्ट फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सामान्य उद्देश्य पर, या सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके विषय से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हमको 6-7 सामान्य उद्देश्य लिख देना होता है। सामान्य उद्देश्य मतलब उस विषय को पढ़ने के बाद बालक के अंदर कौन सी योग्यता क्षमता विकसित होगी या बालक के अंदर किस प्रकार का ज्ञान विकसित होगा। तो पहला आपका यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स एंड थ्योरीज। यहाँ पर अगला आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को या छात्रों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसके हम अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो वहाँ आसानी से एडजस्टमेंट कर ले जाएंगे। अगला आपको आपका रहेगा विद्यार्थियों को विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, ठीक है। अगला आपका रहेगा विद्यार्थियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के योग्य बनाना, छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो सामान्य उद्देश्य हैं या जनरल ऑब्जेक्टिव हैं आपके भूगोल विषय के, वो इंग्लिश मीडियम में आपको लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य की और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर पहला आपका डोमेन होता है नॉलेज या आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक था जलमंडल, ठीक है। जलमंडल के बारे में हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो जो हमारे यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य होंगे जलमंडल के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, जलमंडल के विषय में स्टूडेंट्स को नॉलेज वहाँ हो जाएगी। तो पहला रहेगा यहाँ पर आपका विद्यार्थी जलमंडल के बारे में जान सकेंगे या विद्यार्थियों को जलमंडल का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा विद्यार्थी जल चक्र के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या जल चक्र को परिभाषित कर सकेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम, आपका बोधात्मक उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग या कंप्रिहेंसिव। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यार्थी जल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला आपका हो जाएगा विद्यार्थी जल मंडल को वर्गीकृत कर सकेंगे। फिर हम जाएंगे प्रयोगात्मक में या एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर होगा विद्यार्थी जल मंडल को चिन्हित कर अपने अभ्यास पुस्तिका पर चित्रांकित कर सकेंगे। यह हो जाएगा आप बना लेंगे अगला ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी जल मंडल को मानचित्र में अंकित कर सकेंगे। विद्यार्थी जल मंडल को या जल मंडल का ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे, मतलब जैसे जल मंडल आपको आसपास में दिखाई देता है उस तरह से हम लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ के ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना होता है, जो लगता है कि आपके लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो सकते हैं। फिर हम बात कर लें यहाँ पर पूर्व ज्ञान की, प्रीवियस नॉलेज की। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी जल मंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे सहायक सामग्री पे। तो यहाँ पर क्या होगा, सहायक सामग्री में या टीचिंग एड्स में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसका मॉडल हो जाएगा, उसका चार्ट हो जाएगा, या मान लो आपको एक्टिविटी करते हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जो सहायक सामग्री होती है अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल वाले में, तो वहाँ पर आपका बेसिक रहेंगी जिनके बिना टीचिंग नहीं हो सकती, मतलब ब्लैक बोर्ड, आपका चौक, डस्टर, पॉइंटर। लेकिन जब हम केवल नॉर्मल सहायक सामग्री लिखते हैं तो वहाँ पर आप केवल चार्ट लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे और रियल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे या आपको एक्शन क्लास में कराते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर। तीन कॉलम में डिवाइड रहता है आपका, जैसे कि आपको पहले बताए हैं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे इनको पढ़ाना था जल मंडल, तो इन्होंने प्रश्न बनाया था पहला, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आप बच्चे आंसर देंगे वहाँ पर 8। फिर अगला क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे, जल किस ग्रह पर पाया जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन आप लोग फ्रेम करेंगे, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो बच्चे आंसर देंगे महासागर, झील, नदी, तालाब, कुआं। फॉर एग्जांपल जो जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, जो जो बच्चे ने देखा होगा, जो महसूस किया होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, इन सभी जैसे जो लास्ट था आपका महासागर, झील, नदियाँ, तालाब, कुआं, ठीक है, इन सभी को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे बताएंगे वहाँ पर कि जलमंडल। अब आप बच्चों से अगला जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो प्रॉब्लमेटिक होगा आपका, समस्यात्मक प्रश्न होगा, जलमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब यहाँ पर बच्चे कुछ नहीं जानते जलमंडल के बारे में, तो समस्यात्मक हो जाएगा। अगर बच्चे जानते भी होंगे, अगर आंसर दे भी रहे हैं वहाँ पर, तब भी आप यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर बताएंगे भी तो बहुत जनरल बताएंगे, सामान्य बताएंगे, और आपको पूरा टॉपिक पढ़ाना है इस पर, तो आप बच्चों को बैठा देंगे, मोटिवेट कर देंगे कि आपने ठीक बताया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे। फिर आप आ जाएंगे उद्देश्य कथन पर या स्टेटमेंट ऑफ एम पर, विद्यार्थियों आज हम जल मंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आप 5 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि आपको फॉर्मेट में बताया गया था। पहला आपका हो जाएगा टीचिंग पॉइंट, दूसरा आपका हो जाएगा पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा आपका हो जाएगा छात्र क्रिया, चौथा आपका हो जाएगा विधि प्रविधि, पांचवा आपका हो जाएगा श्यामपट कार्य। पहला इंग्लिश में टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका जलमंडल, तो शिक्षण पॉइंट में या टीचिंग पॉइंट में आप डालेंगे जलमंडल, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, इससे प्लान आपका अच्छा लगता है और आकर्षक लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जल मंडल के विषय में एक्सप्लेन करने लगेंगे, जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, उसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, आपके व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि आपकी हो जाएगी सैंपल, वो व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ मेंशन करते हैं तो बराबर में आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर का हमने पैराग्राफ पढ़ा लिया है, जलमंडल पढ़ा लिया है, ठीक है। तब उस जल मंडल से हम कुछ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस या बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बच्चों से पूछ लेंगे, पृथ्वी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे कहेंगे जल ग्रह या नीला ग्रह या जीवित ग्रह नाम से जानते हैं। यहाँ पर आंसर जो विधि होगी वो कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। अगला प्रश्न आप कर देंगे यहाँ पर जल चक्र क्या है? अब बच्चों को जल चक्र के बारे में नहीं पता है, तो छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे या नो रिस्पॉन्स हो जाएगा। और कंप्रिहेंसिव में आप 2 प्रश्न बनाएंगे बोधात्मक में, तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो डेवलपमेंट्री होता है, विकासात्मक होता है, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम जलचक्र के बारे में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो जलचक्र के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप जलचक्र वाले टॉपिक में टीचिंग एड्स बना के लाए हैं, जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इस तरह से आप लोगों को अट्रैक्टिव चार्ट बनाना है, जिससे कि बच्चों की रुचि आपकी क्लास में लगी रहे, वो मॉडल को देखकर, चार्ट को देखकर आपकी टीचिंग से प्रभावित वहाँ पर हों। क्योंकि चार्ट और मॉडल से बच्चों को टॉपिक के जो कंटेंट आपको पढ़ाना होता है वो ईजिली समझते हैं वहाँ पर, और अपनी आँखों से उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट यूज़ करेंगे, मॉडल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रदर्शन विधि, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस वाले पॉइंट में भी हमको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे, कंप्रिहेंसिव या बोधात्मक प्रश्न। फॉर एग्जांपल इन्होंने बनाए जल भाप या जल बाष्प बनकर कहाँ जाता है? तो बच्चे बताएंगे जल बाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप बच्चों से कर लेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है या क्या है? तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे मान लो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर आप कर देंगे नो रिस्पॉन्स। अब आप यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में डीपली बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। समझाने के बाद बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपके, और व्याख्यान विधि आपकी हो जाएगी। बाकी इस पॉइंट में भी आप टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक लेसन प्लान में आप जितना चार्ट मॉडल यूज़ करेंगे, लेसन प्लान उतना इफेक्टिव होगा। जो आपके एग्जामिनर आएंगे बाहर से, आपके प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपको अच्छे नंबर वहाँ पर
प्रदान करेंगे, क्योंकि लेसन प्लान में आपकी नॉलेज मायने नहीं रखती है। वहाँ पे मायने रखता है कि आप जो कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं किस वे में कर रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लान में सिस्टमेटिक वे में ही प्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में टीचिंग कर रहे होते हैं और बहुत बढ़िया टीचिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर आते हैं उनको टीचिंग से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो ये देखते हैं जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान के स्टेप को फॉलो हो रहा है वहाँ पर या नहीं हो रहा है। तो आपको लेसन प्लान के स्टेप को फॉलो करना है, कंटेंट आपके पास ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है तो आप उसको डिलीवर कर ही देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है जो लेसन प्लान में मेंशन है वो एक्टिविटी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो आप प्लान में मेंशन करते हैं, जैसे क्वेश्चन मेंशन करेंगे, टीचिंग एड मेंशन करेंगे या जो समरी मेंशन करेंगे, तो लेसन प्लान पढ़ाते समय आपको केवल वही चीज़ें प्रेजेंट करनी है क्लास में जो पहले से ही आपके प्लान में मेंशन है, ठीक है। तो जल प्रदूषण में भी आप यहाँ पर एक छोटा सा मिनीचर लगा सकते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो इससे भी टीचिंग आपकी रोचक हो जाएगी और आप बच्चे भी आपके सेटिस्फाई रहेंगे और आपको भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से टीचिंग वहाँ पर की है। अब यहाँ क्या होगा कि लास्ट टीचिंग पॉइंट के बाद में हम इस जो हमारा कॉलम बने थे 5 कॉलम, इनको हम क्लोज कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद हम नीचे डालते हैं बोधात्मक प्रश्न, और जो लाइनें हैं लाइनें नहीं रहेंगे, केवल बोधात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, और यहाँ पर हम एक लाइन का ऊपर स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर डालेंगे हम बोधात्मक प्रश्न, ये आपके हो जाएंगे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इनकी संख्या रहेगी यहाँ पर 4, 4 से कम नहीं रखना है आपको। और क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे जो ऊपर आप एक्सप्लेन किए हैं कौन से 3 टीचिंग पॉइंट वहाँ से रहेंगे, जो प्रश्न आप ऊपर नहीं पूछे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 4 क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं लिखना है, केवल प्रश्न ही हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक। फिर बोधात्मक प्रश्न के बाद में अगला आपका पॉइंट आता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, ठीक है, या श्याम पर लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पर जो आपने टीचिंग पॉइंट के दौरान या शिक्षण बिंदुओं के दौरान जो ब्लैक बोर्ड पर नोट किया था, कोई टिपिकल वर्ड आते हैं, कोई नई चीज़ आती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है, चार्ट चिपका के ब्लैक कलर का हम मेंशन करते हैं और जो हमने ब्लैक बोर्ड पर किया होता है उसको यहाँ पर नोट डाउन करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आप आ जाएंगे और ब्लैक बोर्ड जब बच्चे वर्क कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व करेंगे, एक बार टहल लेंगे कौन बच्चे उतार रहे हैं कॉपी पे, कौन नहीं उतार रहे हैं, और क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, या हम बोलते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर संख्या रखनी है आपको 3, 4, 5, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे या जो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग लगे। यहाँ पर जब हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं आपके, मैचिंग वर्ड हो सकते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं आपके, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रश्न यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे कि बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे, उस तरह के प्रश्नों का हम यहाँ पर निर्माण करेंगे। और इसके अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं उससे संबंधित कोई भी आप वर्क बच्चों को देंगे। अब एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, बार बार आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं वो कम से कम आप प्लान में 6 रखेंगे, 6 से कम सामान्य उद्देश्य नहीं रखेंगे, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद जब विशिष्ट उद्देश्य आएंगे आपके, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रिहेंसिव, दोनों में आपको दो दो पॉइंट रखना ही है, ठीक है। क्योंकि हम दो पॉइंट जब रखते हैं तो हमारा प्लान एक सिस्टमेटिक वे वाला प्लान लगता है और इफेक्टिव प्लान लगता है। वहाँ पर एग्जामिनर को लगता है कि आप लोगों ने जो प्लान का निर्माण किया है, जो प्लान फॉर्म किया है उसको पढ़ लिख के फॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बचते नहीं, और हर प्लान में आप अगर टीचिंग एड यूज़ करेंगे तो प्लान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और वैसे भी बीएड करने का मतलब यही होता है कि लेसन प्लान को किस तरह से आपको अट्रैक्टिव बनाना है। वहाँ टीचिंग एड नहीं बन रहा है तो आप कोई एक्शन करेंगे, कुछ कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को आप अपनी तरफ मोटिवेट करें या इंटरेक्ट करें। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ आपको लग रहा है कि टीचिंग एड आसानी से नहीं बन रही है वहाँ पर, तो आप एक्टिविटी कर लेंगे, कोई रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर देंगे। ऐसा नहीं कि सर वो ऐसा टॉपिक है कि उसमें टीचिंग एड नहीं बन रहा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ पर बनाएंगे टीचिंग एड्स। क्योंकि जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो हर लेसन प्लान में टीचिंग एड्स और मॉडल का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। जब हम आप टीचिंग एड्स को मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं आपके चॉक, डस्टर, पेंसिल, इनको नोट नहीं करेंगे, हम नोट करेंगे केवल
जो आपका मॉडल होगा, जो आपका चार्ट होगा, या आप जो रियल ऑब्जेक्ट लाए होंगे, ठीक है। अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम होती है लेसन प्लान में, प्रत्येक विषय के लेसन प्लान में जो आपके स्टेप सेम रहेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बस केवल इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का प्लान चेंज रहेगा, बाकी हर प्लान में स्टेप आपके यही रहेंगे। अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आपको हिंदी सब्जेक्ट का लेसन प्लान अपलोड करते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि हिंदी विषय में कहाँ कहाँ पे प्लान में चेंजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।